हेलो दोस्तों, एक्सेल के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। एक्सेल के इस पार्ट थर्ड में हम प्रिंट कमांड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा ये है फाइल टैब में। फाइल टैब में हम कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड से प्रिंट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो हमने डाटा बनाया था ये दिख जाएगा। अब इसको हमको अपने मन मुताबिक प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमको प्रिंट करने की सेटिंग करनी पड़ेगी, कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। नीचे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है प्रिंटर। सबसे पहले आपको वह प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस प्रिंटर से आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहां पे हमारे सामने अलग अलग प्रकार के प्रिंटर शो हो जाएंगे, जो आपका प्रिंटर इसमें इंस्टॉल होगा, ड्राइवर लोड होगा। तो फिलहाल में हमारे सामने सिर्फ एक प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल है और ड्राइवर इसका इंस्टॉल है इसमें, तो एप्सन L22 सीरीज के नाम से यहाँ पे है। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि आपको जितना सीट प्रिंट करना है वह एक्टिव है। अर्थात अगर चाहते हो आपकी प्रिंट इंटायर वर्कबुक भी आपका यहाँ पे दिख जाए तो आपका उतना भी आ जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि जितना आप सेलेक्शन बनाओगे उतना ही सिर्फ प्रिंट हो तो उतना ही प्रिंट होगा। देखिए, हमने एक सेल पे क्लिक किया था इसलिए यहाँ पे एक सेल आ गया सेलेक्टेड प्रिंट करने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमारा जो एक्टिव प्रिंट मोड का सीट है सिर्फ वही प्रिंट हो, तो पूरा हमारा अच्छे से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा है टोटल 24 पेज यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, रेंज सेलेक्ट करें कि हम पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 22 या फिर 12 तक प्रिंट करें, तो उतना तक ही प्रिंट होगा यहाँ पर रेंज देने पर। उसके बाद कॉलेक्ट पे क्लिक करना है। अगर ऑन कॉलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, आपको कॉलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप आओगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन दिख रहा है और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट करेंगे तो वर्टिकली, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्टिकली प्रिंट होगा। और यहाँ पे लैंडस्केप है, अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको लैंडस्केप प्रिंट होके मिलेगा, जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अभी ये हॉरिजेंटल है और जैसे आप पोर्ट्रेट करते हैं ये हमारा वर्टिकल दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो हमको इस पेपर को प्रिंट करने के लिए पेपर की साइज को दिखाएगा। आपको जो भी पेपर पे प्रिंट करना है उस पेपर को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से आपके सामने वो पेपर यहाँ पे शो हो जाएगा प्रिंट होने के लिए। तो जो मार्केट में अवेलेबल प्रिंट पेपर है वो A4 साइज का पेपर अवेलेबल है। इसके बाद नॉर्मल मार्जिंग्स, नॉर्मल मार्जिंग्स में आएंगे तो ये जो आपका मार्जिंग्स दिख रहा है इतना छोड़ के प्रिंट हो रहा है, ये दिखाता है कहाँ से कहाँ तक छोड़ेगा, कितना प्रिंट करेगा। जिस हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिंट सेट होगा प्रिंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्क्रॉलिंग। नो स्क्रॉलिंग में आएंगे तो आपको नो स्क्रॉलिंग में यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रिंट मोड दिखाएगा, जैसे फिट सीट ऑन पेज, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जितना भी डाटा था वो एक ही पेज पे फिट होकर मिल जाएगा। उसके बाद फिट ऑल कॉलम्स ऑन पेज, जितने भी कॉलम थे सब आपके पेज पे मिल जाएंगे। इसके बाद फिट ऑल रो एंड कॉलम, रो भी मिल जाएंगे और कॉलम भी मिल जाएंगे इसमें। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। अगर एक्चुअल सेटिंग करनी है तो नो स्क्रॉलिंग कर दीजिएगा, जितना भी आपको सेलेक्टेड प्रिंट करना है सेल को उतना मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ फाइनली आपका पूरा पूरा सेटिंग हो चुका। और ऊपर आएंगे, यहाँ लिखा है कॉपी, यानी इस पेपर की कितनी कॉपी चाहिए। जैसे हमने 1 से 12 तक लिखा हुआ है तो 1 से 12 तक की कितनी कॉपी चाहिए यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो उतना प्रिंट करके निकालेगा। यानी पहले का 10 कॉपी, 12वें का भी 10 कॉपी, ऐसे 1 से लेकर 12वें तक का 10 कॉपी निकालेगा, जैसे 2, 3, 4 सबका 10 कॉपी निकालेगा। फिर फाइनली इतना सेटिंग होने के बाद आप प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे ये प्रिंट आपका रेडी हो जाएगा। अब ये सेव करने के लिए दिख रहा है क्योंकि प्रिंटर नहीं लगा है, आपका फाइनली प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए फाइल टाइप के कमांड में, आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट। यदि आपने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ है, वो जो डाटा हमारा दिख रहा था उसको PDF में बदलना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट का पूरा पूरा डिस्पैच खुल जाएगा। यहाँ पे क्रिएट XPS और PDF फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेशन सेट कर देना है और वो कर देना है पब्लिश। ये हमारा PDF में सेव हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा ये डाटा PDF में दिख रहा है। आपको PDF में सेव करना है तो एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे फाइल टैब में तो आपको मिलेगा क्लोज।
अगर आपने जो भी पेज खोला हुआ है उस पेज को बंद करना चाहते हैं, वर्कबुक को बंद करना चाहते हैं या क्लोज करेंगे, तो आपका ये वर्कबुक बंद हो जाएगा। एक्सेल की सीट बंद हो जाएगी लेकिन एक्सेल आपका बंद नहीं होगा। कुछ इस प्रकार देखिए, बंद करते चलते हैं हम, इस देखते हैं वर्कबुक हमारा बंद हो गया लेकिन एक्सेल हमारा बंद नहीं हुआ। कंट्रोल एन से करेंगे हमारा नया वर्कबुक आ जाएगा। सो इस वीडियो में हमने अपने प्रिंट और एक्सपोर्ट और यहाँ पे क्लोज कमांड को देखा। अगले पार्ट में हम अकाउंट और ऑप्शन कमांड्स को देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।